आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह ने सरेंडर कर दिया है गुजरात के सूरत में पुलिस के सामने। गुलाब सिंह ने सरेंडर किया। गुलाब सिंह ने उमरा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। गुलाब सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, उन पर जबरन उगाही का आरोप है, जिसके बाद गुलाब सिंह ने सरेंडर किया है। ये जो हड़बड़ता, जो डर, जिस तरह का ये फैसला लिया गया है, मैंने स्वयं चिट्ठी लिखकर वहाँ पे आईयू साहब को, एसएचओ साहब को भेजा था कि 18 तारीख को मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा, लेकिन इतना भी नहीं वहाँ पे हुआ और गिरफ्तारी का वारंट मेरा निकला, तो उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख हमारे साथ जुड़ गए हैं। भार्गव, सरेंडर तो कर दिया है लेकिन जो आरोप है उसको कबूलने से इनकार कर रहे हैं गुलाब सिंह। बिल्कुल, उसने सरेंडर कर दिया है यहाँ पे और आरोप से वो मुकर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि सूरत के अंदर, सूरत पुलिस स्टेशन के बाहर वो पहुंचे हुए, उनको जब खबर मिली कि सूरत के अंदर गुलाब सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस आ रही है, तो दिल्ली पुलिस को आने से पहले वो गुलाब सिंह जो है वो वहां पे पहुंच गए थे सूरत पुलिस कमिश्नर के वहां। सूरत पुलिस कमिश्नर के वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन सूरत पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले से मना करते ही वो उमरा पुलिस स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं और उमरा पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर किया, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।